देखिए वो उनको लगता होगा आपका बच्चा कोई बड़ा सपना देखे 1000 करोड़ के बिजनेस करने का, तो किसी को लग सकता है पड़ोसी को कि उसका सपना झूठा है, लेकिन जब उसका सपना साकार होगा तब उस पड़ोसी को समझ में आएगा। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि सपना तो एक इंडिविजुअल देखने व्यक्ति को भी देखने का हक है, और यहाँ तो एक टीम सपना देख रही है रेवाड़ी के विकास का, माना जा रहा है कई लोग क्या। इसलिए जब राज्य सरकार हमारी है, और मैंने पहले ये कहा केंद्र सरकार हमारी है, तो इस छोटे सरकार बनाने वालों ने जो सपने लिए हैं उनको पूरे करेंगे और उनको सत्य करेंगे, और जो उनको झूठ कह रहा है उसको झूठा साबित करेंगे। सर, रेवाड़ी से जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं वो आज भी कहते हैं कि मैं बीजेपी का हिस्सा हूँ और मुझे पार्टी ने आज तक निष्कासित नहीं किया, निष्कासित किया है तो कोई पत्र मेरे को दिखाएं। असली क्या सच्चाई है? असली बीजेपी नकली बीजेपी की बात करते हैं सर। बहुत अच्छी बात है, अगर वो असली बीजेपी है तो कमल का बटन दबाएं, अपने साथियों से डबवाएं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जिसके दिल में कमल है वो कमल से बाहर वोट डाल ही नहीं सकता। लेकिन इस बात को भी स्पष्ट कर दीजिए, क्या पार्टी ने उन्हें निष्कासित करने का वो पत्र जारी किया? नहीं, मैं जब उनके दिल में कमल है और इस समय खिला हुआ है वो उसकी अभिव्यक्ति भी कर रहे हैं, तो कमल का बटन दबाने से ही आप जब बटन दबाएं तो देखना, और उनके साथियों को भी देखना, अगर वो असली बता रहे हैं तो निश्चित रूप से कमल का बटन दबाएंगे। सर, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन को सफिशिएंट हो चुके हैं, बीजेपी ने इसको नाक की लड़ाई दे दिया है, वो किसानों के समाधान को तैयार ही नहीं हो। देखिए, बीजेपी ने तो इसको बहुत आदर से लिया है, जितने संशोधन दिए थे सब स्वीकार कर लिए, और इतना ही नहीं आगे भी ओपननेस के साथ कहा है कि भी जितने भी और आपके पास कोई सुझाव है वो भी ठीक करेंगे। तो इसलिए बीजेपी ने तो बिल्कुल इसको जितनी विनम्रता से दिया है, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत उच्च कोटि की विनम्रता के साथ, सद्भावना के साथ, बहुत ही आदर के साथ 8-8 घंटे बैठकर सुना है, और तोमर साहब की चिट्ठी आने के बाद तो कोई बात बची नहीं, जितने मुद्दे थे हर मुद्दे को एड्रेस किया है। MSP पर उन्होंने कहा है कि हम लिख कर देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा राज्य सरकारों को ये अंदोसा हो रहा था कि हमारी मार्केट फीस कम हो जाएगी, तो राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया कि बाहर की मंडी और अंदर की मंडी पर आप फीस लगा सकते हो। उनको अंदेशा था कि व्यापारी का रजिस्ट्रेशन अगर ढंग से नहीं हुआ तो कहीं व्यापारी भाग ना जाए, वो भी राज्य सरकार पे छोड़ दिया कि आपने व्यापारी का जैसे रजिस्ट्रेशन करना है कर लो। कुछ लोगों का अंदेशा था कि SDM कहीं व्यापारी के प्रभाव में नहीं आ जाए, तो दोनों रास्ते खोल दिए, सिविल कोर्ट चले जाओ और चाहे आप जो है SDM पे चले जाओ। और कुछ लोगों को लगता था कि कॉन्ट्रैक्ट खेती अगर आएगी, मैंने दूध लेनी है कहीं हमारी भैंस ना ले जाए, वो कानून में पहले से ही लिखा हुआ है, फिर से स्पष्ट कर दिया है कि कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता, केवल उत्पाद का कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाकी चीज़ों का नहीं हो सकता। उसमें एक अंदेशा जताया गया था कि भाई कहीं मेरे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा खड़ा कर दे और उस पर लोन ले ले तो कहीं मैं फिर फंस ना जाऊँ, वो भी कह दिया कि कोई व्यापारी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोन नहीं ले सकता। तो हर बिंदु को इतनी शालीनता से एड्रेस किया है, बहुत गजब से एड्रेस किया है। आप मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा केंद्र सरकार की विनम्रता हो नहीं सकती। सर, कुछ बागी की रैली में रेवाड़ी में आपने नरेंद्र मोदी जी के मंच से ये कहा था कि C2 स्वामीनाथन SGT सरकार आते ही हम लागू करेंगे, और इस बिल को आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा क्योंकि आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर से लेके किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे हैं, लेकिन ये C2 नहीं C1 जैसा भी नहीं। देखिए, दो बातें, मेरा यहाँ का भाषण बहुत वायरल करते हैं और उस वायरल भाषण में दो मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक है जोखिम फ्री करना, ओले पड़ेंगे, पाले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पे पड़ेंगे, और मुझे आज इस बात की खुशी है कि 5700 करोड़ रुपया 6 साल में किसानों के खाते में जा चुका है। नहीं तो 2-2.5 रुपये के चेक आते थे हमारे ज़माने का, किसी के पास हो 6 साल का तो हमको दिखाए। हमने जो है 12,000 रुपये मिनिमम कंपनसेशन किया, जो 6 से 12 किया उसका, और जो 2.5 वाला चेक भी किसी का एक खुद हो किसका वो भी आता था तो वो भी 500 रुपये किया, और फसल बीमा हम लेकर आए। दूसरा A2+FL 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम, वो हमने देने शुरू किए, और उसी के आधार पर अब उस प्रकार के फसल खरीदी हो रही है। जो मैं एक बात कह सकता हूँ, और मुझे इस बात का गौरव भी है, आनंद भी है, कि हरियाणा ऐसी स्टेट है कि अभी हमने 74 लाख क्विंटल बाजरा खरीदा है, 8 क्विंटल एक एकड़ का लिया है,
राजस्थान के और हमारे भाव में 1000 रुपये का फर्क था मोटा मोटी। 8000 रुपये हमने अपने किसान को फायदे में दिए हैं। अब हमको तो कहें कि हम किसान के हक के नहीं, जो उनकी वहाँ पर बाजरे की मिट्टी खराब कर रहे हैं वो नकली किसान कैसे बनेंगे। हमने जो 12000 मुआवजा किया हमारे बारे में तो अलग बात बोले, 2.5 रुपये के चेक वाले वहाँ जाके रोटियाँ सेक रहे। स्वामीनाथन को जो 6 साल अपने पैरों के नीचे दबाए बैठे रहे, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट दबाए बैठे रहे, वो आज नकली किसान हितेशी बने हुए हैं। हमारे गन्ने का भाव 350, पंजाब में 320, FRP और SAP का अंतर 65 रुपये एक क्विंटल पर हरियाणा सरकार देती है, 26000 रुपये एक एकड़ का बनता है। किसान हितेशी होना ये है, वो नहीं है जो वहाँ पूरा भाव भी नहीं दे रहे। तो इसलिए जो नकली किसान हितेशी बहुत हैं इस आंदोलन में, जो उसकी दावेदारी कर रहे हैं, जो ना बाजरा खरीद रहे, ना मक्का खरीद रहे, ना गन्ने का भाव दे रहे। हम 12000 कंपनसेशन दे रहे हैं, पंजाब 8000 दे रहा है, वो किसान हितेशी बन के दिखा रहे हैं। तो किसानों का हित मैं ये कह सकता हूँ कि सभी फसलों को खरीद कर, सरसों की खरीद है, बाजरे की खरीद है, सूरजमुखी की खरीद है, गन्ने की SAP पर 350 पे खरीद है, बेस्ट अगर कहीं किसान के लिए किया है तो हरियाणा सरकार ने किया है। और उसका आपने रेवाड़ी में उसका असर भी देखा है, महेंद्रगढ़ नारनौल इस तरह का बेस्ट वाटर मैनेजमेंट हमने की करने की कोशिश की है और अपने किसानों को बेस्ट भाव दिया है। सर, एसवाईएल के मुद्दे पे हरियाणा सरकार क्या करने वाली किसानों के लिए, क्या कैसे? देखिए, अगर दो राज्य सरकारों से ये मामला निपटता तो बार बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राज्य सरकारों की या वहाँ के राजनीतिक दलों ने इसको उलझाया है, पंजाब के राजनीतिक दलों ने। टर्मिनेशन एक्ट पास किया तो इन्हीं कैप्टन अरमिंदर साहब ने पास किया था, जो हरियाणा के किसानों का 19 लाख एकड़ फीट पानी रोका था। 12 साल हम पीछे चले गए उससे, कांग्रेस के समय तो सुनवाई नहीं होके दी, हमारे समय में सुनवाई हुई और 16 में ये आया कि वो कानून गलत पास किए गए थे। जो ही एक आया तो बादल साहब ने 191.75 लाख का चेक जो है हमको भेज दिया। अब वो चेक हमारा था ही नहीं, वो तो केंद्र सरकार के पैसे दिए हुए थे, लेकिन एक नोटंकी जो करनी थी। तो वहाँ के दल इसको रोकने के लिए वहाँ पूरा जो इस प्रकार का पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं वो आप सबके ध्यान में है। इसलिए ये निर्णय दो ही तरह से हो सकता है, या तो पंजाब के भाई आज यहाँ भाव मांगने आए हुए हैं, मैं रेवाड़ी की भूमि से भी उनको निवेदन करता हूँ कि हमको यहाँ रेवाड़ी में SYL के पानी की जितनी ज़रूरत है हमको पता है कि आप बड़े भाई हो और आप हाँ करो कि नहर हम बनवाएंगे, हमको भाव की ज़रूरत है, यहाँ खेती होगी तो भाव लेंगे ना। तो इस नाते से यहाँ से हम निवेदन कर रहे हैं कि वो कहें कि पहली 5 कस्सी हम मारेंगे, आप निश्चिंत रहो, ये पानी आपको हम पिलाएंगे। एक भाईचारा बढ़ेगा, बड़े भाई का आदर बढ़ेगा। दूसरा कोई रास्ता है तो न्यायालय का है, जिसमें भी सुनवाई होकर पिछली जो तारीख थी उस तारीख पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था, उससे पिछली तारीख पर कहा था दोनों सरकारों के चीफ सेक्रेटरी बात करें। जब चीफ सेक्रेटरी के लेवल की वार्ता से आगे बात नहीं बनी तो पिछली तारीख पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अगस्त में कि दोनों तरफ के चीफ मिनिस्टर्स बात करें और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को साथ बैठा लें। तो आपको वो फोटो याद होगी, गजेंद्र जी के पास 19 अगस्त को हमारे मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, कैप्टन अरमिंदर नहीं आए और वो ऑनलाइन जुड़े और उन्होंने भी वहाँ SYL की हाँ करने की बजाय नकारने का काम किया। तो कई बार कई लोग ऐसे कहते अभी क्यों उठा रहे हो, अरे भाई मुद्दा तो अभी चला हुआ है, अगली तारीख पर सर्वोच्च न्यायालय ये कहने ही वाला है बनाओ कौन सी एजेंसी बनाए। और इसलिए जब भाई यहाँ भाव मांगने आ रहे हैं तो संकोच कैसा, अपने हक की बात तो बड़े भाई से छोटे भाई ने करनी ही चाहिए। इसलिए ये मौका भी है, दस्तूर भी है और इसका वक्त भी है। तो उस नाते से हम उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि भाई SYL का पानी बड़े भाई के नाते आप हाँ करो, कहो कि पहले 5 कस्सी हम मारेंगे, आपका हक हम दिलाएंगे। सर, केंद्र और प्रदेश के बाद रेवाड़ी में छोटी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद हमेशा सुर्खियों में रहा, रेवाड़ी नगर परिषद भ्रष्टाचार को। देखिए, पहली शुरुआत तो हमने यहीं से कर दी है, अब कोई बस जयपुर नहीं जाएगी, सब अपने अपने घर लौटेंगे। चेयरमैन को जनता सीधा चुनेगी, अपने बटन दबा के चुनेगी। तो वो एक जो बड़ा, जिसकी गंगोत्री के समय जिसमें ये शुरू हो जाए कि जन्म के समय जिसमें गड़बड़ शुरू हो जाती थी, उसी को ठीक करने के लिए हमने ये शुरू किया कि भाई इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। तो ऐसे एक स्वतंत्र रूप से जब आप चेयरमैन चुनोगे, अच्छी छवि का चुनोगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत वहाँ से होने वाली है। थैंक यू।